सोने से पहले सुबह सुबह अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाओ कि कहीं ना कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप जो है गर्भवती हो चुके हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं, वीडियो में जानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में नए हो गए, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत का काम करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आपको गर्भधारण हो चुका होता है और जो पीरियड आपके आए हैं, पीरियड मिस होने से पहले ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जब आपको गर्भधारण हो चुका होता है तो उस समय होता क्या है कि आपके अंदर HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बढ़त हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाती है तो सबसे पहला जो आपको सुबह सुबह में आपको लक्षण दिखाई देंगे वो होंगे आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी। जब आप सो के उठ तो सुबह सुबह में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको फीवर जैसा फील हो रहा है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि कहीं ना कहीं आपको फीवर हुआ है, आपको जैसे आज बुखार जैसा लग रहा है, फीवर हुआ है। आधा से एक डिग्री आपकी टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है, इसीलिए आपको फीवर जैसा फील होने लगता है। तो आपको फीवर नहीं आए हैं, आपको फीवर जैसा भले ही फील हो रहा है लेकिन आपको फीवर नहीं आए हैं। ये आपके प्रेगनेंसी के एक लक्षण होते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाते हैं उसके बाद ये लक्षण अपीयर होने लगते हैं, उसके बाद ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है और आप भी प्रेगनेंसी की ओर बढ़ रहे हो। आपका पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, आपको जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये बेसल बॉडी टेम्परेचर फ्रेंड्स इतनी अच्छी चीज होती है, अगर इसको आप नापोगे तो इससे आप ओवुलेशन को भी ट्रैक कर सकते हो। कैसे ट्रैक कर सकते हो, तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, सपोज दिस की अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आप 10वें 11वें दिन के बाद से आप बेसल बॉडी टेम्परेचर डेली के डेली एक टाइम पे सुबह के सुबह नापोगे तो जिस दिन हल्की सी उसमें इंक्रीज आपको समझ में आएगी, हल्की सी बढ़ी हुई महसूस होगी, आधा से एक डिग्री ज्यादा नहीं, तो आपको समझ लेना है कि कहीं ना कहीं आपको ओवुलेशन होने वाला है, अब आप ओवुलेट करने वाले हो। दूसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपका प्रेगनेंसी हो चुका रहता है तो उस समय भी आप इम्प्लांटेशन के समय या फिर उसके 1 से 2 दिन बाद तक ये बढ़ा हुआ रहता है तो नापोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस ये दूंगी कि आप ओवुलेशन से लेके इम्प्लांट बेसल बॉडी टेम्परेचर को जरूर नापिए, उसको जरूर समझिए, जरूर जानिए, क्योंकि बेसल बॉडी टेम्परेचर तो इसको आपको जरूर नापने हैं। दूसरा जो आपको सुबह सुबह में लक्षण दिखाई देने लगेंगे वो होंगे आपके मुंह में जो है खट्टी खट्टी पानी आना, तो इसके साथ साथ आपको उल्टियां होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, ये सारे चीज आपको दिखाई देने लगेंगे। जब सुबह सुबह में सो के उठोगे तो ये सारे लक्षण आपको अपीयर होने लगेंगे, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि सुबह सुबह होता है जो फ्रेंड्स की आपकी जो बॉडी होती है उसमें हार्मोन की जो बढ़त होती है काफी तेज होती है, काफी तेज आपकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं, बढ़ने की वजह से ये सारे लक्षण आपने दिखाई देने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं। तो सुबह सुबह में अगर आप ब्रश करने जाते हो उस समय अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर जो है खट्टे पानी भर जा रहे हैं या फिर उल्टियां जैसा फीलिंग आपको आ रही है, नोजिया हो रहा है, अब ऐसा फील हो रहा है कि ब्रश को रख दें और जैसे बहुत ज्यादा उल्टियां करें, तो ये आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसा फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको दर्शाता है कि आपको गर्भधारण हो चुका है, आप गर्भवती हो चुके हो। तीसरा जो आपको लक्षण महसूस होंगे वो होंगे आपको फ्रेंड्स सुबह सुबह में आपके पेट फूलने की समस्या। सुबह सुबह में अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पेट जो है फूला फूला महसूस हो रहा है, पेट जो है गैस कॉन्स्टिपेशन जैसा महसूस हो रहा है, आखिर ये होता क्यों है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये होता इसीलिए है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हो चुकी है, गर्भधारण हो चुकी है, जिसकी वजह से कि आपको जो है आपकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो गई है। जो आप रात में तो जो भी डाइट लिए हो, जो भी खाना खाए हो, खा के अपना सो गए हो, तो ये जो जो आपकी अंदर की जो चीजें हैं वो पचाने में उसको असमर्थ है। अगर हैवी डाइट लिए हो तो वो जो है उसको पचने में ज्यादा वक्त लगता है, इसीलिए हल्की सी डाइट लिया जाता है, पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और डाइट जो है जितना नॉर्मल हो सके उतना लिया जाता है। तो अगर आपको भी सुबह सुबह में ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपका पेट गैस के जैसा महसूस हो रहा है, ब्लोटिंग के जैसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको समझ में आने लगेंगे, जो पांचवा आपको लक्षण समझ में आएंगे वो होंगे आपको चक्कर आना, आपको आपके सिर में हेडक होना। सुबह सुबह में सो के उठोगे तो सो के उठते के साथ ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको हेडक जैसा हो रहा है, यानी कि सर में बहुत तेज दर्द होने लगेंगे,
हेडक जैसा फीलिंग होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको चक्कर भी आने लगेंगे, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि कहीं ना कहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, आखिर चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो चक्कर इसीलिए आते हैं कि आपको गर्भधारण हो चुके हैं, ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण में ही आते हैं। जो आपको चक्कर आते हैं, हेडक होता है, ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी में ही आते हैं। तो अगर इनमें से दो चार लक्षण भी आपको महसूस हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ही श्योर हो जाओ कि आपको गर्भधारण हो चुके हैं, आप गर्भवती हो चुके हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ और भी आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपको लिथार्जी जैसा फील होना। सुबह सुबह जब सो के उठोगे तो आपको बिल्कुल ही आपकी बॉडी में फुर्ती महसूस नहीं होगी, आपको आलस जैसा आएगा, आपको लिथार्जी जैसा फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल मैं फिर से अभी सो के उठी हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये सारे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो ये सारे लक्षण दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप प्रेगनेंसी को जो है बहुत ज्यादा, अगर आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा पहचानना चाहते हो, बहुत जल्दी पीरियड मिस होने से पहले ही पहचानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक तरीका अपनाने हैं। उसके लिए आप कर क्या सकते हो, उसके लिए आप बीटा एचसीजी का टेस्ट करा सकते हो। बीटा एचसीजी का टेस्ट आप जाके कराइए और वहां पे अगर आपके बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल आपके ब्लड में रहेगा, क्योंकि जो एचसीजी हार्मोन के लेवल होते हैं सबसे पहले ब्लड में आते हैं, ब्लड से छन के आपके यूरिन में आते हैं, इसीलिए यूरिन में आते आते थोड़ा इसको लेट हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि पीरियड मिस हो जाए उसके 3 से 4 दिन बाद टेस्ट करिए, इसीलिए आपको ये एडवाइस दिया जाता है। और इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, जिसके अंदर बहुत जल्दी ये हार्मोन बन जाते हैं उसको बहुत जल्दी दिखाई देते हैं यूरिन में बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, और जिसके अंदर नहीं बनते हैं उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला आप यही काम करो कि आप जो है बहुत ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी है तो आप बीटा एचसीजी का टेस्ट करा लो। इसमें बिल्कुल ही आपको निकल जाएगा कि एचसीजी का मात्रा कितना है, आपको पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करने हैं, बहुत ज्यादा अपने अब जो है क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा नॉर्मल बनाना है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत ज्यादा अगर परेशान हो जाओगे तो यहीं पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट करो। जब पीरियड मिस हो जाता है तो ही आप प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हो। जब पीरियड मिस हो जाते हैं और जब चेक करते हो डबल लाइन आ जाता है, तब समझना है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्टेशन करो। वहां पे डॉक्टर आपको हार्मोन, कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह की मेडिसिन देती है। उससे क्या होता है कि आपको कभी भी गर्भ गिरने का खतरा जो है नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब कम होता है तो ही गर्भ गिरने का खतरा होता है, ऐसे नहीं होता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे पेज को माई ओमेंस हेल्थ केयर को जरूर फॉलो कीजिएगा, माई ओमेंस इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ अगले